हाय दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि छोटा आईडी के बराबर आधार कार्ड आपको कैसे प्रिंट करना है। तो दोस्तों, आपको छोटा आधार कार्ड कैसे प्रिंट करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा। पहले आप सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए, आधार वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद देखिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले से। डाउनलोड में आ जाइए, देखिए जब डाउनलोड हो जाए ऐसे देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, देखिए आपको यहाँ से नहीं खोलना है इसे, आपको अपना आधार कार्ड यहाँ से नहीं खोलना है। आप इसको बंद कर दीजिए यहाँ से, या आप इसे पूरा बंद कर दीजिए या मिनिमाइज़ कर दीजिए। जैसे मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, मिनिमाइज़ कर, आपको जाना है फाइल में जहाँ पर ये आधार कार्ड आया। आप फाइल में आ जाइए, देखिए यहाँ पर आता है डाउनलोड में। डाउनलोड में आप आधार कार्ड दीजिए, कहाँ आया है ये आया, देखिए हमारा। आपको यहाँ से ओपन करना है, इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए, मैं अपना डाल रहा हूँ। ये देखिए ये खुल गया। अब आपको इसे प्रिंट करना है दोस्तों, आपको प्रिंट करना है सिर्फ इतना। आपको दोस्तों ये इतना प्रिंट करना है, तो कैसे करना है ये देखिए, आपको मैं आप बताता हूँ। इतना प्रिंट करना है हमें, यानी कि इतना ये आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो आप सबसे पहले माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए ये लिख रहा है रोटेट क्लॉक वाइज, यहाँ पर रोटेट कीजिए, फिर रोटेट कीजिए। इसके बाद हमारा मकसद है ये ऊपर आना चाहिए, ये देखिए इसे ऊपर करना है, हमें इसे ऊपर कर लिया, हमें ये प्रिंट करना है, इसे ऊपर करना है। इसके बाद आप इसे प्रिंट करना, आपको इसे प्रिंट की कमांड दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए जो भी आपका है, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आइए, और यहाँ से हमें करना है A4 साइज। A4 साइज़ के लिए आपको यहाँ से करना पड़ेगा। अगर आप मोटे पेपर पर निकाल रहे हैं, यानी कि कलर निकाल रहे हैं मोटे पेपर पर, तो आपको यहाँ से ये करना पड़ेगा, और क्वालिटी भी आपको हाई करनी पड़ेगी। अगर आप वैसे ही नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्लेन पेपर पे करके निकाल सकते हैं, और यहाँ पर ग्रे स्केल कर सकते हैं आपको, अगर कलर नहीं चाहिए तो। लेकिन अगर ज़्यादातर हमें अगर आईडी बनानी है, तो आईडी बनाने के लिए हमको यहाँ से एप्सन मेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको क्वालिटी हाई रैम देनी है ताकि बढ़िया आए क्वालिटी। तो यहाँ से कलर के आप इसे कमांड दे दीजिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता दिया मैंने, आपको A4 साइज़ के पेपर के दो हिस्से करने हैं। उसका जो A4 साइज़ का आधा हिस्सा आपको प्रिंटर में लगा दीजिए, A4 साइज़ का जो आधा दो हिस्से करने के बाद उसका आधा हिस्सा प्रिंटर में लगा दीजिए, और आधा आप रख लीजिए। एक एक A4 साइज़ पर आप दो दो आधार प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि आधा लगा देंगे। आधा लगाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, आधा लगाने देने के बाद आपका मेरे हिसाब से यहाँ तक देखिए कुछ यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आधे पेपर में यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये थोड़ा सा ये आ जाएगा, थोड़ा सा ये जाएगा। इसका मतलब आपका जब पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो प्रिंटर प्रिंट करना पसंद कर देगा, और आधे पेपर पे ये प्रिंट हो जाएगा, और आप इसे आराम से काट के आईडी बना सकते हैं। आधा पे दोस्तों सबको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको सिर्फ आधा हिस्सा लगाना है, उसका आधा हिस्सा प्रिंटर में लगाना है। अगर आप पूरा लगाएंगे तो दोस्तों ये पूरा प्रिंट हो जाएगा, ये पूरा आधार ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा जैसा ये आपने डाउनलोड किया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको A4 साइज़ का आधा पेपर लगाना है, और आप आसानी से इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप करके देखिए, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, और यही तरीका है इसका करने का। तो दोस्तों आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, आप आसानी से बढ़िया से आप प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं आपकी वीडियो डालता रहूँगा, आप कमेंट पे लग दीजिए आपको जो
जो वीडियो आपको चाहिए, जो मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं आप, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।